हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर सीक्रेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में मौसम बदल रहे हैं, जिसकी वजह से खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में खराश जैसी परेशानियां आम हो गई हैं। तो इन सब से दूर रहने के लिए आज हम एक ऐसा काढ़ा बनाएंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसके लिए हम लेंगे दालचीनी। फ्रेंड्स, दालचीनी में पॉलीफिनॉल्स और प्लांट एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम लेंगे लौंग, जो पाचन के साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, काली मिर्च स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही गैस की समस्या से भी राहत दिलाता है। तो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। इसके बाद हम लेंगे तुलसी के कुछ फ्रेश पत्ते। फ्रेंड्स, तुलसी खांसी, सर्दी, जुकाम इन सब से राहत देने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हम लेंगे अदरक। अदरक भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही हम इसमें लेंगे गुड़। गुड़ पाचन को ठीक करता ही है, साथ ही ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो हम आज ले रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इन 6 चीजों को। तो फ्रेंड्स, इस काढ़े को बनाने के लिए हम एक पतीले का यूज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिया है, इसमें हम एक ग्लास पानी डालेंगे। एक ग्लास पानी ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ फ्रेश तुलसी के लीव्स डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं डाल रही हूं। इसके बाद हम लेंगे काली मिर्च। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ऐड करेंगे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, और गुड़। इन चारों को हमें इसमें क्रश करके डालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्रश कर लिया है लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें इसमें कुछ अदरक डालने हैं, जिसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। जैसा कि आपको मैं करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। इसके बाद इसे हमें 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देना है, जब तक ये एक ग्लास से एक कप ना हो जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से पक रहा है।
इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें मेरी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।